कटनी कोतवाली के गोदाम बगीचा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी के यहां हत्या व चोरी के मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई एलसीडी सहित हत्या में प्रयुक्त किया गया हथियार बरामद हुआ है। परसों की बात है, परसों 3 तारीख को सुबह 4 बजे फोन आया कि ऐसे एक इंद्रावाड़ कॉलोनी में एक व्यक्ति की घर में चोरी की घटना हुई है और व्यक्ति मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर सारी टीम घटनास्थल पर पहुंची, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का तत्काल मुआयना किया गया। उसमें घर पूरा चारों तरफ से लॉक था, ऊपर से भी कहीं से भी मतलब एंट्री पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ना किसी ताले से छेड़छाड़ की गई थी, ताले बिल्कुल लगे हुए थे और जो मृतक की वाइफ हैं वो 3:30 बजे जब पूजा से लौटी तो उन्होंने खुद अपनी चाबी से सारे ताले खोले। इसमें ये कि पहली बना हुआ था कि इसमें जो घटना घटित हुई है उसमें जो जिन्होंने घटना कारित किया वो घर में एंटर कैसे, फिर इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में इन्होंने घटना घटित करना स्वीकार किया है। साथ में जो पैसे 10,000 रुपये ले गए थे उसकी भी जब्ती हुई है इनके पास से, साथ में जो लोहे की रॉड है जिससे इन्होंने घटना को अंजाम दिया वो भी जब्ती की गई है उसकी। इनके ऊपर पूर्व से भी काफ़ी अपराध है और काफ़ी ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, इन दोनों की आज गिरफ्तारी की गई है, माननीय न्यायालय में।